कराची से खैबर तक की खबरों में खुशामदीद, शामिल करेंगे हेडलाइंस। शेखुपुरा में पीर जादों ने गैरत के नाम पर छुरियों के वार करके बहनोई को कत्ल कर दिया। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल, पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। सादिकाबाद में कहीं कम वोल्टेज है तो कहीं एक हफ्ते से बिजली गायब। रोजादार शदीद गर्मी में बिजली की बंदी से बिलबिला उठे। अवाम सबर का पैमाना लबरेज होने पर सड़कों पर निकल आए, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। लाइट अस्पताल फैसलाबाद के प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर के घर होने वाली डकैती मामला बन गई। पुलिस सीसीटीवी कैमरे में शिनाख्त के बावजूद डाकुओं को गिरफ्तार करने में नाकाम। ननकाना साहब के 45 असातजा को इन सर्विस तरक्की मिल गई। अंजमन असातजा पंजाब की तरफ से डिप्टी कमिश्नर और महकमे तालीम के अफसरान को गुलदस्ते पेश किए गए। बदीन और सखर समेत सिंध भर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरे। मुजाहरीन ने वाबदा हुकाम और हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। शहरियों का कहना है कि शदीद गर्मी से बेहाल हो गए हैं। चित्राल में माहे सयाम के दौरान बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे से भी तजावुज कर गया। गर्मी के सताए अवाम कुदरती बर्फ महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। कोयटा और सोबतपुर समेत बलूचिस्तान भर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बिजली मुयस्सर न होने पर कारोबार तबाह होकर रह गए। अवाम का हुकूमत से बिजली फराहम करने का मुतालिबा। महकमा इरीगेशन और महकमा ट्रेंच की नाअहली से ऊंच केनाल में पानी बंद। सोबतपुर में लाखों एकड़ जरिया राजी बंजर होने का खदशा पैदा हो गया। किसानों की दुहाई। माह रमजान शुरू होते ही आजाद कश्मीर में भी महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। रमजान बाजारों में अवाम को खातिर खा रिलीफ ना मिल सका। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की, सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सूबा पंजाब से। शेखुपुरा से अफसोसनाक खबर है, जहां पर पीरजादों ने गैरत के नाम पर छुरियों के वार करके बहनोई को कत्ल कर दिया। तहसील जसमान का रिहायशी मकतूल सजाद जट शेखुपुरा में पीर इलियास शाह के आस्ताना में मुरीद होने के बाद उसके घर में दीगर मुरीदों की खिदमत करने पर मामूर था। कुछ अरसा कबल मकतूल ने पीर की बेटी से खुफिया शादी की। इस शादी के बारे में जब पीर के बेटों को पता चला तो उन्होंने बहनोई को घर बुलाकर छुरियों के वार करके मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि दूसरी जाने पुलिस ने फरार होने वाले मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। सादिकाबाद में कहीं कम वोल्टेज है तो कहीं एक हफ्ते से बिजली गायब है। रोजादार शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश की वजह से बिलबिला उठे हैं। अवाम का सबर जवाब दे गया तो अवाम सड़कों पर निकल आए और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। सादिकाबाद के इलाके हसन कॉलोनी, क्रीम टाउन, मुजाहिद कॉलोनी और अली टाउन समेत कई इलाकों में 7 रोज से बिजली गायब है। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश के बाइस रोजादारों को मुश्किलात का सामना है। सरापा एहतजाज शहरियों का कहना था कि शदीद गर्मी में हाल से बेहाल हो गए हैं। चार दिन बिजली नहीं आ रही है, बिल्कुल सारे बच्चे परेशान है, गर्मी बहुत ज्यादा गर्मी है।
इस वास्ते मुतालबा किया जाता है साढ़े इलाके बिजली सही की जाए। बिजली साढ़े कई दिन हो गया घर च नहीं आ रही, 130 वोल्ट आ रही, 130 फ्रिजा सड़ गई, रूटर सड़ गए। उनका मजीद कहना था की 7 रोज से बिजली नहीं आ रही, जबकि वापडा वाले 20,000 रुपए का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने आला हुकाम से बिजली की फौरी फराहमी और जिम्मेदार वापडा अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। जंग में लगाए गए रमजान बाजारों में आटा, चीनी और खजूर समेत दीगर अशिया खुरनोश नायाब हो गई हैं। शहरियों का यह कहना है कि रमजान बाजार मियां बरादरान की जाती तशहीर के सिवा और कुछ नहीं। रमजान मुबारक में आवाम को रिलीफ फराहम करने की गर्ज से हुकूमत पंजाब की जानिब से जिला जंग में 8 रमजान बाजार लगाए गए हैं। जंग शहर के नवाज शरीफ पार्क, सैटेलाइट टाउन और जैलगढ़ शहीद रोड पर लगाए गए रमजान बाजारों में आटा, चीनी, खजूरें, लीमू और छोटे गोश्त में मुतअद्दिद खाने पीने की अशिया दस्तियाब नहीं। खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों का कहना था की इन रमजान बाजारों से आम आदमी को कोई फायदा नहीं हो रहा, अगर जरूरी अशिया की फराहमी नामुमकिन थी तो रमजान बाजार क्यूँ लगाए गए। सब्जी मुक गई है, वादन गोश्त मुक गया है, वादन हर चीज खत्म हुई है। यहाँ पे अभी जो मौजूदा जो मैं यहाँ पर आया हूँ खजूर लेने आया हूँ, खजूर नहीं मिली मुझे और उन्होंने 10 मिनट का कहा कि इंतजार करें, अभी तक तो गर्मी में मैं खड़ा हुआ हूँ। मायूस शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है खाने पीने की अशिया में उन्हें रिलीफ दिया जाए, ताकि माह रमजान में गरीब रोजादार भी सस्ती अशिया खरीद कर फायदा उठा सके। सरगोधा में रेड़ी बानों के खिलाफ जरिए इंतजामिया का ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन के खिलाफ रेड़ी बानों ने एहतजाज करते हुए सड़क ब्लॉक कर दी। मुजाहरीन का कहना था कि सब्जी मंडी में रेड़ी बानों की गिरफ्तारियां जारी हैं, पुलिस वजूहात भी नहीं बता रही। मुजाहरीन ने ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज करते हुए टायर चलाकर रोड ब्लॉक कर दी और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। उनका यह कहना था कि गिरफ्तारियों और छापों का सिलसिला बंद ना किया गया तो बुध से सब्जी और फ्रूट मंडी में काम नहीं होगा। अहमदपुर शर्किया में कायम रमजान बाजार को रिलीफ देने में बुरी तरह नाकाम हो चुका है। 15 लाख रुपए की सब्सिडी ठेकेदारों की मनमानी की नजर हो गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा वक्त न्यूज अकरम जफरी हमारे साथ मौजूद हैं। अकरम, आगाह कीजिएगा, क्या वजह है कि आवाम को रमजान बाजारों से भी रिलीफ नहीं मिल रहा? जी, मैं तो ये कहूँगा ये मकामी जो इंतजामिया है इनकी नाकिस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है कि जो रमजान बाजार से गरीब आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। आप ये देखें कि इस वक्त रमजान बाजार में गोश्त जो है नाकिस फरोख्त किया जा रहा है, निशानदेही के बावजूद अभी तक जो है वो उसका मियार बेहतर नहीं किया गया, और जो अशिया जिनमें चीनी है, दाने हैं और सब्जियात हैं इनके इन पर भी 2 से 3 रुपए किलो का रिलीफ किया जा रहा है, जो कि आवाम ने मुस्तरद कर दिया है और आवाम रमजान बाजारों का रुख नहीं कर रहे हैं। अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट में भी इस वक्त ग्राम फरोशी अरूज पर है और प्राइस कंट्रोल कमेटियां, मार्केट कमेटी जो है रेट कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रही है। शुक्रिया अकरम जफरी, आपने अपडेट किया। गुजरावाला में लगाए गए रमजान बाजारों में गैर मयारी अशिया खुरनोश महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। कई सब्जियां और फल आम आदमी की पहुँच से बाहर हो चुके हैं, जिस पर लोगों ने शदीद एहतजाज किया। रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में आवाम को रिलीफ फराहम करने की गर्ज से लगा के सस्ते रमजान बाजारों में जिले इंतजामिया अशियाए खुरनोश की कीमतें कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। दुकानदार खुलेआम सार्फीन को मुकर्रा निरखों से ज़ायद पर सब्जियां और फल फरोख कर रहे हैं। खरीदारों का कहना था कि रमजान बाजारों और आम मार्केट में कीमतों का कोई खास फर्क नहीं, दोयम क्वालिटी की सब्जियाँ और फल महंगे दामों फरोख किए जा रहे हैं। जो इंस्पेक्शन आवे अच्छा समान अगे ते जो चले जाते हैं फिर घटिया समान जो आवाम खुआया जाता है। बाहर 170 रुपये मुर्गा, इतने 176 रुपये, की फायदा है? बाहर 80 की दर्जन आंडे ने, इतने 88 की फायदा है? की सस्ता बाजार है? कोई है कोई फायदा नहीं। दुकानदार ने 60 बेचनी है तो 50 ला के 20 बेचनी गल दे जी, मियार की चीज है इतने बिकनी, कोई क्वालिटी नहीं, कोई बाहर कोई चीज़ें इतने रेट कोई फर्क कोई नहीं रेट वाला, एवं दुनिया बस आई जाती है, रेट का कोई फर्क नहीं, कोई रेट है जो चलते पे। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत की जानिब से दिया जाने वाला रिलीफ तो सिर्फ ऐलानात की हद तक महदूद है। गिराम फरोशों के सामने प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी बेबस नजर आती हैं, जिसके बाइस अवाम हुकूमती रिलीफ से महरूम हैं। ताज़ा तरीन खबर शामिल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने सेनेटर निहाल हाशमी के गैर जिम्मेदाराना बयान का नोटिस ले लिया है। सेनेटर निहाल हाशमी को वज़ीर-ए-आज़म हाउस तलब किया गया है और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पार्टी पॉलिसी और की खिलाफ वर्जी करने पर इंजिबाती कार्रवाई का
हुक्म भी दिया गया है। आपको बताएं कि सेंटर निहाल हाशमी की जानिब से बयान दिया गया था और उनकी जानिब से कहा गया था कि जो एहतसाब कर रहे हैं उन पर जमीन तंग कर दी जाएगी। और अभी वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सेंटर निहाल हाशमी के बयान का नोटिस लिया है। इसी हवाले से तफसीला जान लेते हैं। नुमाइंदा वक्त न्यूज सरदार हमीद हमारे साथ मौजूद है। सरदार हमीद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, निहाल हाशमी के जो मुतनाज़ा सामने आया था, जो वीडियो बयान उनका सामने आया था, उस पर वज़ीर-ए-आज़म ने सख्त नोटिस लिया है और उनके इस गैर ज़िम्मेदाराना बयान पर उन्हें ज़ाती तौर पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस तलब कर लिया है वज़ीर-ए-आज़म ने। और मावन खुदसी डॉक्टर आसफ कुरमानी की तरफ से जो बयान जारी किया गया है, उन्होंने ये कहा है कि सेनेटर निहाल हाशमी को वज़ीर-ए-आज़म हाउस तलब, उनके खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी पॉलिसी और डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर इंजबाती कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया है और ज़ाती तौर पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में उन्हें तलब करके वज़ीर-ए-आज़म उनसे इस हवाले से वज़ाहत भी तलब करेंगे। जी शुक्रिया सरदार हमीद, आपने अपडेट किया। सुबह पंजाब से कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। बात करेंगे जतोई की, जहां कर जमीन पर कब्जे के खिलाफ शाह जमाल के मकीनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन का कहना था कि मदरसे के लिए मुख्तस अराजी औने पौने दामों फरोख्त कर दी गई है। जतोई के इलाके थाना शाह जमाल के मकीनों ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन का कहना था कि उन्होंने मांगपुर में 68 कैनाल रकबा मदरसा बनाने के लिए वक्फ किया था। ताहम चंद नासर ने रकबा औने पौने निजी ट्रस्ट को फरोख्त कर दिया। जमात अहले सुन्नत गुलजार मदीना इन्ने वाला फरार की दावत इस्लामी ट्रस्ट करार की किराया चले देना, चौथा साल है कई मदरसा काम करने दिया रकबा मेरा, मैं आबाद की थे, आप ही को चलाएं, आप ही की थे, मैं आखिर को चले से नहीं खिदमत, अल्लाह की खिदमत करे से घर दी, इन्हें कुछ नहीं की थी। थाना शाहजमाल मौजम मांगपुर के रहायशियों ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम और वजीर आला पंजाब से अपील की है कि उन्हें उनकी एराजी वापस दिलाई जाए या जमीन को असल मकसद के लिए इस्तेमाल में लाया जाए। मुल्तान से अहम खबर है, जहां पर स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर जाली ज़रई अद्वियात बनाने वाले माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस दौरान इंडस्ट्रियल एरिया में जाली ज़रई अद्वियात और खाद तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर बड़ी मकदार में जाली खाद और स्प्रे भी कब्जे में ले ली गई है। आपको अपडेट करें मुल्तान से, जहाँ पर स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर जाली ज़रई अद्वियात बनाने वाले माफिया के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है और इस दौरान इंडस्ट्रियल एरिया में जाली ज़रई अद्वियात और खाद तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर भारी मकदार में जाली खाद और स्प्रे भी कब्जे में ले ली गई है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कलोरकोट की, जहां पर 65 साल कबल तामीर होने वाले स्कूल में सहूलियात की अदम फराहमी पर अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए हैं। मुजाहरीन का यह कहना है कि अलग इमारत ना होने पर लड़के लड़कियां एक ही इमारत में तालीम हासिल कर रहे हैं। भक्कड़ की तहसील कलोरकोट में वाकई गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल में सहूलियात के फुकदान और जगह की कमी ने अहले इलाका को एहतजाज करने पर मजबूर कर दिया। अहले इलाका का ये कहना है कि अलग इमारत ना होने पर तुलबा और तालिबात एक ही जगह तालीम हासिल करते हैं। 700 से ज़ायद तुलबा के लिए सिर्फ 3 असातिज़ा हैं, जिससे तुलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। गुज़िश्ता बरस इलाका भर में एक भी तुलबा मैट्रिक पास ना कर सकी। उन्होंने कहा कि स्कूल में कमरों की कमी पर तुलबा गर्मियों में तेज़ धूप जबकि सर्दियों में शदीद ठंड में खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद के प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर के घर होने वाली डकैती बॉम्ब मां बन गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कैमरे में शनाख्त होने के बावजूद भी डाकुओं को गिरफ्तार नहीं किया। फैसलाबाद की फोर सीजन कॉलोनी के रहायशी डॉक्टर इलियास के घर 28 अप्रैल को रात 2:30 बजे 4 नामालूम अफराद दाखिल हुए और खुद को CIA के एहलकार जाहिर करके घर वालों को यरगवाल बनाकर जेवरात नकदी और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। वाकई की FIR थाना सदर में दर्ज हुई। CCTV फुटेज में डाकुओं की वाज़े शनाख्त के बावजूद ताहाल पुलिस मुलजमान को गिरफ्तार करने में नाकाम है। ना अभी तक फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट मौसूल हुई है और ना ही जियो फेंसिंग की रिपोर्ट मौसूल हुई है। पुलिस को CCTV कैमरा की वाज़े फुटेज मुहैया करने के बावजूद अभी तक पुलिस किसी मुल्ज़िम को गिरफ्तार नहीं कर सकी। मुतासिरा खानदान ने वज़ीर-ए-आला पंजाब से नोटिस देने और इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है।
किसी का मुख्ताज होने के बजाय मेहनत मजदूरी करके रोजी रोटी कमाना अहम इबादत है। अहमदपुर शरकिया के बुजुर्ग ने हुकूमती दावों की खुलकर नफी कर दी है। अहमदपुर शरकिया के नवाही गांव का रिहायशी 90 साल बुजुर्ग रहीम बख्श सख्त मौसमी हालात की परवाह किए बगैर मुख्तलिफ रास्तों से गुजरने वाली ट्रालियों से गिरने वाली गंदम के एक एक दाने को इकट्ठा करता है, उसे साफ करने के बाद बीज कर अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करता है। नमाज पंजगाना अदा करने वाले मोहम्मद शहरी के लिए हुकूमत की जानिब से कोई वजीफा जारी नहीं किया गया। तोबा टेक्सिंग में वजीर आला पंजाब स्कीम के तहत तलबा तालिबात में लैपटॉप तकसीम करने का मनसूबा बदनस्मी का शिकार हो गया। तलबा का यह कहना है कि लैपटॉप मनपसंद अफराद में तकसीम किए जा रहे हैं। नामुनासिब सहूलतों के बायस वालिदैन को धूप में खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है और पीने का साफ पानी भी दस्तयाब नहीं है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। तोबा टेक्सिंग में वजीर आला पंजाब स्कीम के तहत तलबा तालबात में मुफ्त लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। चंद रोज कबल सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर ने लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब का बाकायदा इफ्तिताह किया था और इस मौका पर 30 तलबा में लैपटॉप तकसीम किए गए थे, जबकि जिला भर से मजबूरी तौर पर 1194 तलबा तालबात लैपटॉप वसूल करने के हकदार करार पाए थे। ताहम बाद तलबा का कहना है की लैपटॉप सिफारशी और मनपसंद अफराद में तकसीम किए जा रहे हैं, जबकि बाद ने लैपटॉप मिलने पर खुशी का इजहार किया। जो लोग सिफारशी उनको लैपटॉप तकसीम किए जा रहे हैं, जो लोग पहले के आए बैठे हैं वो वैसे ही इंतजार में लगे हुए हैं। और इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में हमें बहुत सी खूबियों से नवाज रहे हैं, हम उनके शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरी जानब तलबा तालबात के साथ आने वाले वालदैन कॉलेज में पीने के साफ पानी और दूर में खड़े होकर अपने बच्चों की बारी का इंतजार करने का शिकवा कर रहे हैं। तो इतना जलील हुए हैं सुबह के यहाँ आके, तो यकीन करें के ना पीने के लिए पानी है, बाहर से इतनी दूर से जाके पानी मंगवा रहे हैं। मेरठ पर आने वाले तलबा तालबात ने लैपटॉप की गैर मुनसफाना तकसीम पर वज़ीर-ए-आला मियां शहबाज शरीफ से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा मैन रशीद अंजम के साथ सुल्तान महमूद, तोबा टेक्सिंग। खबरों में बात करेंगे बदीन के बारे में, जहां लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरा भी किया गया। मुजाहरीन ने वापडा ऑफिस के सामने धरना दिया और टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। महंगाई का जिन तो बेकाबू है, लेकिन शदीद गर्मी में लोड शेडिंग भी अपने अरूज पर है। बदीन में माह सयाम में भी 18 से 22 घंटे तक की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों की जानिब से मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने बदीन हैदराबाद रोड को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया। मुजाहरीन ने टायर जलाकर अपना गुस्सा निकाला और वापडा हुकाम के खिलाफ नारेबाजी की। खैरपुर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग ने खवातीन का भी पारा हाई कर दिया। खवातीन ने रैली की सूरत में वापडा ऑफिस पर धावा बोल दिया। मुलाजमीन और अफसरान फरार हो गए। खैरपुर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के बायस खवातीन के सबर का पैमाना जवाब दे गया। सैकड़ों खवातीन ने वापडा ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली। चंद मुश्तइल खवातीन वापडा ऑफिस के अंदर दाखिल हो गईं। मुजाहरीन को देखते ही अमला फरार हो गया। मुजाहरीन का यह कहना था कि सहरो अफ्तार के औकात में भी लोड शेडिंग से नहीं बच सके, रोजादार सख्त अजियत से दो चार हैं, हुकूमत को जरा भी परवाह नहीं। सक्खर के म्यूनसिपल मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज किया। उनका यह कहना था कि वो 5 बरस से मुलाजमत पर हैं, अब तक उन्हें तनख्वाहें रोकी गई हैं। सक्खर प्रेस क्लब के सामने म्यूनसिपल मुलाजमीन की जानिब से मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे मेयर सक्खर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए। उन्होंने कहा कि वो गुज़िश्ता 5 बरसों से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में खिदमात अंजाम दे रहे हैं, मगर मेयर ने सैकड़ों मुलाजमीन की तनख्वाहें रोक दी हैं। तनख्वाहें ना मिलने से 2 माह में रमज़ान में सख्त मुश्किलात का शिकार हैं और म्यूनसिपल मुलाजमीन ने अलबाब इख्तियार से अपील करते हुए मुतालिबा किया कि उनकी तनख्वाहें फौरी तौर पर अदा की जाएं। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो चित्राल में भी माह रमजान के बाबरकत महीने में बिजली की लोड शेडिंग का दुरानिया 18 घंटे तजावुज कर गया। सताए अवाम कुदरती बर्फ महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं।
चित्राल के बेशतर इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे से भी तजावज कर गया, जिसकी वजह से इफ्तार के वक्त बर्फ भी नहीं होती। यहाँ के लोग लवारी टॉप और त्रीच मीर के पहाड़ों से कुदरती बर्फ लाकर बेचते हैं, जो कि महंगे दामों फरोख्त की जाती है। मकामी लोगों का कहना है कि रमजान शुरू होते ही लोड शेडिंग में बेतहाशा इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से उनकी मुश्किल बढ़ गयी है। सिरे से बिजली बिल्कुल नहीं है, 18-20 घंटे की लोड शेडिंग होती है, इसी वजह से हम मजबूरन बर्फ ले लेते हैं। उनका मजीद कहना था कि गाड़ी मालिकान कुदरती बर्फ को भी नहायत महंगे दामों फरोख्त करते हैं, जिस पर ना टैक्स देना पड़ता है ना ही उन्हें खरीदना पड़ती है। उन्होंने मुतालबा किया कि रमजान में बिजली की लोड शेडिंग खत्म की जाए, ताकि उन्हें इस अजियत से छुटकारा मिल सके। दो बच्चों समेत तीन अफराद जहां भक हो गए। उस्ता मोहम्मद के सिविल अस्पताल की छत पर मजदूर काम कर रहे थे कि अचानक छत जमीन बोस हो गई, जिसके नतीजे में एक मजदूर जहां भक हो गया, जबकि दूसरा मौजाना तौर पर बच गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक हादसा ठेकेदार की जानिब से हिफाजती इकदामात ना किए जाने की बिना पर पेश आया। दूसरा हादसा गोठ गुलाम कादिर उमरानी में पेश आया, जहाँ तालाब में नहाते हुए बहन भाई 7 साल फातिमा और 6 साल अजहर पानी में डूब कर जहां भक हो गए। माह रमजान के बाबरकत महीने में भी कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली मुयस्सर ना होने पर आवाम शदीद मुश्किलात से दोचार हैं, कारोबार भी तबाह होकर रह गए हैं। आपको बताएं कि कोयटा में बिजली की लोड शेडिंग में कमी के बजाय 4 घंटे का मजीद इजाफा कर दिया गया है। बलोचिस्तान के दीगर शहरी इलाकों में 20 घंटे और देहात में 22 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। कोयटा और अंदरून बलोचिस्तान में शदीद गर्मी में बिजली ना मिलने पर आवाम बेहाल हो चुके हैं। दर्जियों और दीगर दुकानदारों का यह कहना था कि यही एक महीना कमाई का होता है, इस महीने में भी बिजली नहीं मिल रही। शहरियों ने मजीद कहा कि हुक्मरानों ने इंतखाबात के दौरान बुलंदोबांग दावे किए थे, मगर पूरे नहीं किए। हुक्मरान उनके हाल पर रहम करें और बिजली फराहम की जाए। माह सयाम के आते ही जिला सोबतपुर में गैर इलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसे रोजादारों को शदीद मुश्किलात दरपेश हो रही हैं। सवा ने पर आया तो जिससे लोग घरों तक महदूद होकर रह गए। जिला सोबतपुर में दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड से भी तजावज कर गया, गलियां और बाजार सुनसान हो गए। ऐसे में बिजली की इलानिया और गैर इलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को बिल्कुल बेहाल कर दिया और उनके कारोबार भी ठप होकर रह गए। बिजली की तवील लोड शेडिंग से बर्फ भी नापैद हो गई है, जिससे उसकी कीमत में 3 गुना इजाफा कर दिया गया है। शहरी बर्फ लेने के लिए कतार में लगकर बर्फ लेने पर मजबूर हैं। वजीर सेहत बलोचिस्तान रहमत सोहले बलोच ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल डेरा अल्लाह यार में चिल्ड्रन यूनिट का इफ्तिताह किया। उन्होंने अस्पताल की दीगर वार्ड्स का भी दौरा किया और मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। अस्पताल के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वजीर सेहत बलोचिस्तान रहमत सोहले बलोच ने कहा कि डेरा अल्लाह यार में यूनिसेफ के तआवुन से कायम चिल्ड्रन यूनिट ने काम शुरू कर दिया है। सूबे के दीगर 6 अजला जिनमें भी ऐसे यूनिट खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि वो अस्पताल के मसाइल और फंड्स की कमी से बाखूबी आगाह हैं, जिन्हें हल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अस्पताल में डॉक्टर्स की भी कमी का सामना है, जिसकी वजह से सूबे में एक ही मेडिकल कॉलेज कायम होना होता है। वजीर सेहत बलोचिस्तान का मजीद कहना था कि वो अस्पताल में गायनी यूनिट को फंड की फौरी फराहमी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। कराची से खैबर तक की खबरों में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए वक्त के साथ रहिए।